एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही यश कीर्ति सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अगर आप भी संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करें। इससे साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत बिना कथा पढ़े या सुने अधूरी मानी जाती है, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग के शुरुआत में एक नगरी थी जिसका नाम महिरूपति था। इस नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसको पुत्र न होने की वजह से राजा को राज्य सुखदायक नहीं लग रहा था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय किए, लेकिन पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा ने सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने राजा की समस्या को सुनकर कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम पुत्र की प्राप्ति से वंचित हो। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर तुम सावन की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद राजा ने सच्चे मन से सावन की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ये कथा जरूर सुने। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।